आईटी सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम करने वाली टानला प्लेटफॉर्म्स शेयर कंपनी ने Q3 के नतीजे कमजोर पेश किए हैं। उसके बावजूद कंपनी ने ₹6 प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा कर दी गई है। ये कंपनी वर्तमान में पूरी तरह से कर्ज मुक्त है और साथ में इस कंपनी ने पिछले एक साल में 62% के रिटर्न दिए हैं। टानला प्लेटफॉर्म्स शेयर कंपनी की जानकारी। टानला सॉल्यूशन नाम से इस कंपनी की शुरुआत 1999 में हुई है। ये कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन पर काम करती है, तो उसमें कंपनी वेलकम रोमा, हाई डेंसिटी मीडिया सर्वर, मिस कॉल अलर्ट, SMS डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट जैसे सर्विसेज कंपनी के शामिल है। कंपनी वर्तमान में ISO 9001:2000 से प्रमाणित है और कंपनी का रजिस्टर ऑफिस हैदराबाद में स्थित है। कंपनी वर्तमान में पूरी तरह से कर्ज मुक्त। कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 44.15% की दर्ज है, तो कंपनी वर्तमान में पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। साथ में कंपनी के पास 114.55 करोड़ की फ्री कैश भी मौजूद है। कंपनी का कुल मार्केट कैप 13,549.52 करोड़ का है, तो कंपनी का ROE 28% का, तो ROCE 30% का दर्ज है। पिछले 5 साल में 96% के रिटर्न। कंपनी ने निवेशक को रिटर्न के मामले में निराश नहीं किया है। टानला प्लेटफॉर्म शेयर कंपनी ने पिछले 5 साल में 96% के रिटर्न, तो पिछले 3 साल में 12% के रिटर्न, तो पिछले 1 साल में कंपनी ने 62% के रिटर्न निवेशकों को प्राप्त करके दिए हैं और साथ में कंपनी का पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 42.17% का है, जो काफी अच्छा माना जाएगा। Q3 के मुनाफे में भारी गिरावट। कंपनी ने अपने तीसरे तिमाही में 262.82 करोड़ के नेट सेल्स पर 4.49 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल किया है, जो मुनाफे में कंपनी के काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है, क्योंकि इससे पहले दूसरे तिमाही में कंपनी में सितंबर 2023 में पेश किए थे, वहां पर टानला प्लेटफॉर्म्स शेयर कंपनी ने 238.46 करोड़ के नेट सेल्स पर 56.70 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल किया था। अगर हम सालाना तौर पर पीछे जाए तो दिसंबर 2022 में कंपनी में 266.03 करोड़ के नेट सेल्स पर 19.04 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हासिल किया था। मतलब वर्तमान के जो मुनाफे हैं उसमें भारी गिरावट आपको को नजर आ सकती है। कंपनी की ₹6 डिविडेंड देने की घोषणा। टानला प्लेटफॉर्म्स शेयर कंपनी के तीसरी तिमाही के मुनाफे में भारी गिरावट दर्ज के बावजूद कंपनी ने 6 प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है और इसकी एक्स डेट 5 फरवरी 2024 की रखी गई है, तो रिकॉर्ड डेट भी 5 फरवरी 2024 की है। इससे पहले कंपनी ने साल 2023 में ₹4 प्रति शेयर डिविडेंड दिया था और साल 2022 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड निवेशकों को प्रदान किया था। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सभी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सभी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।